Hey guys, I'm from Class. Welcome back to to our YouTube channel. And today I'm here to let you know about Amazon Seller central dashboard. So guys, Amazon Seller Central के डैशबोर्ड के बारे में नए मेंबर्स जिन्होंने अभी अपना अकाउंट बनाए हैं, तो किस तरह से वो सेलर सेंटर को हैंडल कर सकते हैं वो इस वीडियो में जान पाएंगे तो मैंने बात की है किस तरह से आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो अमेजॉन सेलर सेंटर पर आप कैसे बात कर पाओगे एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या हमारे प्लेटफॉर्म को विजिट कर सकते हो लेक्ट स्टार्ट दीडियो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ सेलर सेंट्रल बेनिफिट्स के बारे में अगर आप अपना प्रोडक्ट अमेजोन सेलर सेंट्रल के थ्रू बेच रहे हैं तो आप डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं कोई मिडल मैन इसमें नहीं रहेगा आप जिस तरह की क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को और वो आपको उससे रिलेटेड फीडबैक देगा सेकेंड बेनिफिट है एनहांस्ड ब्रांड कंटेंट मैं एग्जांपल लेना चाहूँगी एक बहुत बड़ा ब्रांड है बोट जो हेडफोन्स और स्पीकर्स और ईयरफोन्स पे काम करता है तो अगर आप उनके प्रोफाइल में विज़िट करोगे तो आप देखोगे बहुत से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं तो ये सब चीज़ें अमेज़ोन आपको भी देगा एक बार आपका ब्रांड रजिस्टर होकर आ जाए आपको टेम्पलेट अमेज़ॉन प्रोवाइड करेगा आपको बस फोटोज़ और वीडियोस उसमें पोस्ट करनी है और जिससे क्या होगा कन्वर्जनस ज़्यादा होंगी थर्ड बेनिफिट है एडवर्टाइज़ ओन प्रोडक्ट्स ईजिली जैसे ही आपका प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे लॉन्च हो गया आपने फ्रंट पे काम करना शुरू कर दिया नेक्स्ट स्टेप रहता है अमेज़ान एड्स तो आप खुद अमेजॉन एड्स पे काम कर सकते हो आपको बस ये देखना होगा कि कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो आपको सेल लेके आएंगे और उस पर आपको बिड करना होगा एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ऑटोमेट प्राइसिंग तो अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसका प्राइस है 599 के करीब तो आपने देखा कि कस्टमर जो है अपने प्राइस को 550 कभी 650 रख रहा है तो आप भी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज बता सकते हो प्रोडक्ट प्राइसिंग की तो आप क्या कीजिएगा प्राइसिंग पार्ट में जाइएगा और मिन और मैक्स सेट कीजिएगा कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम 400 का सेल हो और मैक्सिमम 700। तो जैसे ही कंपटीटर अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करेगा ऑटोमेट प्राइसिंग के थ्रू आपके प्रोडक्ट का प्राइस भी कम हो जाएगा ऐसे बहुत से फीचर हैं मैं आपको आगे उनके बारे में बताऊंगी तो गाइज़ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन कौन सी टैब्स न्यू सेलर्स को याद रखनी है आगे चल के मैं आपको लाइव एमेज़ोन पे भी सारी टैब्स के बारे में बताऊंगी बट जो इम्पॉर्टेंट टैब्स हैं आइए पहले उसके बारे में जानते हैं अगर आप एक न्यू सेलर हैं तो आप जब अकाउंट बनाते हैं तो आपका मेन पर्पज़ होता है प्रोडक्ट को बेचने का या प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाने का तो वो ऑप्शन आपको मिलेगा इन्वेंट्री ऑप्शन में या कैटलॉग टैब में तो एडिंग अ प्रोडक्ट इन्वेंट्री स्लैश कैटलॉग टैब सेकेंड है चेंज बैंक अकाउंट और एड्रेस या फिर आपको डिटेल्स देखनी है कि बैंक अकाउंट में आपने कौन सा अकाउंट डाला है या एड्रेस कौन सा है फुलफिलमेंट सेंटर आपने चेंज करना है तो वो सब ऑप्शन आपको मिलेंगे सेटिंग्स में थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है एमेज़न सेलर सेंट्रल सपोर्ट तो देखिए जब भी आप आ, अपना प्रोडक्ट एफ़ में भेजते हो अमेज़ोन के वेयरहाउस में भेजते हो तो बीच में क्या होता है प्रोडक्ट आपका अपडेट नहीं हुआ होता है या फिर आपकी लिस्टिंग जो है वो सस्पेंड हो गई है या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट मेल आपको अमेजोन की तरफ से आता है और आपको समझ नहीं आ रहा है तो उस केस में आपको बात करनी होगी अमेज़ोन के कस्टमर सपोर्ट से और मैं आपको एक बात बता दूँ कि ट्वेंटी टू फोर्टी आवर्स के अंदर कस्टमर सपोर्ट को आपको रिप्लाई करना ही होगा तो कभी तो उनके ऑटोमेटिक मैसेज आते हैं बट मोस्टली वो आपको सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं तो उनका सपोर्ट का ऑप्शन रहेगा हेल्प टैब में नेक्स्ट है पेमेंट रिटर्न एंड रिफंड्स तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट की पेमेंट आई है आपके कितने प्रोडक्ट रिटर्न्स में हैं और रिफंड्स का क्या प्रोसेस है तो आप जो है ये पेमेंट टैब में भी या ऑर्डर्स टैब में भी देख सकते हो अब चलिए बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टैब्स फॉर एग्जिस्टिंग सेलर्स कि जिन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया है या लॉन्च कर चुके हैं तो उनके लिए कौन सी इम्पोर्टेंट टैब्स हैं पहला है क्रिएट कैंपेन मैंने देखा है कि जितने भी एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग टैब में जहाँ पे वो मैनुअल और ऑटोमेटिक कैंपेन बनाते हैं सेकंड है परफॉर्मेंस इसमें आपको पता चलता है कि कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट के लिए क्या फीडबैक दी है तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पुअर एक्सेलेंट फेयर और कोई क्लेम्स हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड वो सब आपको मिलेंगे परफॉर्मेंस टैब में नेक्स्ट है फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्डर्स तो ये मिलेगा ऑर्डर्स टैब में इसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर एफ में भी प्रोडक्ट है तो उन्होंने कब उसको प्रोसेस किया एक्नॉलेज के ऑर्डर्स को और कब वो कस्टमर के पास पहुंचेंगे। फोर्थ टैब है रिपोर्ट्स इसमें आपको पता चलता है बिज़नेस की हेल्थ के बारे में टैक्सेस के बारे में ए टू जेड गारंटी क्लेम्स के बारे में तो गाइज़ मैं एग्जिस्टिंग सेलर को कहना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे सेलर्स हैं जो रिपोर्ट्स टैब को नहीं देखते हैं और अमेज़ॉन ने उनको इम्पॉर्टेंट मेल भेजा होता है मे बी इन्फ्रिंचमेंट से रिलेटेड अकाउंट सस्पेंशन से रिलेटेड तो प्लीज़ आप ये रिपोर्ट्स टैब ज़रूर देखिए इससे आपको बिजनेस की हेल्थ का पता चलेगा कि कितने लोगों ने आपको नेगेटिव रिव्यूज़ दिए हैं या अमेज़ॉन ने कोई आपको मेल तो नहीं सेंड किया है उस चीज़ से रिलेटेड तो गाइज़ अब मैं आपको बताती हूँ सेलर सेंट्रल का लाइव डैशबोर्ड तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जैसे ही आपने अमेजोन का अकाउंट क्रिएट किया गो टू डैशबोर्ड पे जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड दिखाई देता है सबसे पहले है टेन प्लस हमारे पास नेविगेशन टैब्स होती हैं ये टॉप में जो हैं इनके बारे में भी हम बात करेंगे ये देखिए ये स्मॉल बॉक्सेस भी हैं ये नाइन और टेन के करीब है जहाँ पे आपको बेसिक पता चल जाता है कि आज कितनी सेल्स आई कोई बायर ने मैसेज तो नहीं किया है आपके पास बाय बटन है या नहीं है और उसके अलावा देखिए अमेज़ॉन ने भी आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप ऐड कर सकते हो यहाँ से प्रोडक्ट इंटरनेशनल लिस्टिंग अगर आप ग्लोबली सेल कर रहे हो तो कैसे आप मैनेज करोगे और क्रिएट अमेज़ोन एड्स तो कुछ ऑप्शंस अमेज़ॉन ने यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड किए हैं देखिए सबसे पहली टैब है कैटलॉग कैटलॉग में आपके पास ऑप्शन है एड प्रोडक्ट्स कंप्लीट योर ड्राफ्ट व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस मोस्टली जो इम्पॉटेंट चीज़ हम कैटलॉग में यूज़ करते हैं वो है कंप्लीट योर ड्राफ्ट्स या फिर आप प्रोडक्ट ऐड भी कर सकते हो कंप्लीट योर ड्राफ्ट का मतलब है कि अगर आपने पहले कोई लिस्टिंग की है और आप किसी वजह से उसको कम्प्लीट नहीं कर पाए हैं आप उसको ड्राफ्ट में सेव कर सकते हो और यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हो नेक्स्ट है इन्वेंट्री न्यू सेलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टैब है मोस्ट ऑफ न्यू सेलर इन्वेंट्री में ही अपना टाइम जो है वो फोकस करते हैं यहाँ पे आप मैनेज भी कर सकते हो इन्वेंट्री एफ यानी वेयर हाउस में अगर प्रोडक्ट भेजा है उसको भी मैनेज कर सकते हो लिस्टिंग क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो इन्वेंट्री को प्लान कर सकते हो कि आपने दोबारा कब शिपमेंट सेंड करनी है ये है एड प्रोडक्ट यानी ये ऑप्शन हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कैटलॉग से भी आप कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो तो देखिए मैं क्लिक करती हूँ ऐड अ प्रोडक्ट में तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आता है फाइंड योर प्रोडक्ट्स इन अमेज़न कैटलॉग तो जो न्यूट्रल ब्रांड और प्राइवेट लेबल ब्रांड से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो क्लिक करते हैं आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजॉन और उसके बाद है कैटेगरी सिलेक्शन का ऑप्शन तो गाइज कैसे आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो ये वीडियो हम पहले ही आपको प्रोवाइड कर चुके हैं प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप उस वीडियो को देख सकते हो तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी ऐड प्रोडक्ट्स वाई अपलोड तो ये है फ्लैट फाइल के थ्रू लिस्टिंग जिसकी वीडियो हमने ऑलरेडी पोस्ट की है तो अगर आप क्लोदिंग ज्वेलरी से रिलेटेड शूज से रिलेटेड आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो आपको ये ऑप्शन क्लिक करना है ऐड प्रोडक्ट्स बाय अपलोड इसमें आप एक साथ फिफ़्टी टू हंड्रेड लिस्टिंग अपलोड कर पाइएगा इन्वेंट्री के रिपोर्ट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अमेजोन डॉट कॉम या ग्लोबली आपने सेल करना है तो सेल ग्लोबली ऑप्शन है एफ भी शिपमेंट को मैनेज कर सकते हो मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स तो अगर अमेजोन ने आपसे प्रोडक्ट का कोई डॉक्यूमेंट मांगा है आप उसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो तो गाइज ये था इन्वेंट्री ऑप्शन जिसमें आपको बहुत से इम्पॉर्टेंट फील्ड्स मिलेंगी नेक्स्ट है प्राइसिंग टैब उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी ऑप्शन है ऑटोमेट प्राइसिंग मैंने आपको बताया था आप मिन और मैक्स जो है प्राइस सेट कर सकते हो मिनिमम में जितना आप चाहते हो कि उससे कम ना जाए प्राइस और मैक्सिमम में उससे ज़्यादा ना जाए तो अगर आपका प्रोडक्ट सिक्स हंड्रेड रुपीज़ का है तो आप सेट कर लीजिए फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड और जैसे कंपटीटर अपना प्राइस कम करेगा तो आपके भी अमेजोन के प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा नेक्स्ट है ऑर्डर्स टैप ऑर्डर टैब्स बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू और एग्जिस्टिंग सेलर के लिए आप मैनेज कर सकते हो सारे ऑर्डर्स को एक्नॉलेज कर सकते हो अगर आप एफ़ बी एम कर रहे हो तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकती हूँ कि तो जब भी आप अपना प्रोडक्ट अपलोड करते हो इन्वेंट्री या एड ए प्रोडक्ट के थ्रू आपके पास दो ऑप्शन होते हैं या फिर आप एफ़ बी ए में कन्वर्ट कीजिए वेयर हाउस की फैसिलिटी यूज़ कीजिए जो ऑप्शन यहाँ है तो एफ़ बी ए का मतलब है कि अमेज़ॉन उसको पैक करेगा और कस्टमर तक पहुँचाएगा एफ़ बी एम का मतलब है कि आप जो है उस प्रोडक्ट की पैकिंग खुद करेंगे आप अमेजोन की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का यूज़ कर सकते हो या फिर आप कोई और कैरियर सर्विस का भी यूज़ कर पाओगे तो उसी के लिए ऑर्डर्स टैब में आप मैनेज कर सकते हो दोनों ऑर्डर्स अब देखिए ऑर्डर की रिपोर्ट्स आप ले सकते हो कि कौन से ऑर्डर्स आपको कब आए थे अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल अगर आपको कोई फाइल अपलोड करनी है तो आप कर सकते हैं तो देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ मैनेज रिटर्न्स मैनेज रिटर्न्स में अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट का रिटर्न आया है तो आप उसको यहाँ पे देख पाओगे देखिए आप सॉर्टिंग भी कर सकते हो न्यूएस्ट फर्स्ट ओल्डेस्ट फर्स्ट सेल्स चैनल डेट रेंज तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो साथ ही साथ आप रिटर्न सेटिंग्स भी एडिट कर सकते हो तो इससे आप क्या कर सकते हो अगर आपको कोई प्रोडक्ट रिटर्न में आया तो आप यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो कि आप वेयर हाउस में चाहते हो प्रोडक्ट रिटर्न या फिर आप चाहते हो कि आपके घर पे आए तो रिटर्न एड्रेस सेटिंग्स में आप चेंज एड्रेस पे वो क्लिक कर सकते हो तो आपके पास देखिए यहाँ पे पूछ भी रहा है डू यू हैव मोर देन वन रिटर्न एड्रेस तो आप मैनेज योर रिटर्न एड्रेस तो आप यहाँ पे मैनेज कर पाइएगा तो गाइज ये था हमारा ऑर्डर्स का मैनेज रिटर्न टैब नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग ऑप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ पे क्रिएट करते हो अपनी एड्स और एड्स क्रिएट करने के लिए आपको क्लिक करना होगा कैंपेन मैनेजर पे तो देखिए जैसे ही आप कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करोगे तो आप जो है तीन तरीके से अपने एड्स बना सकते हो तो आप प्रोडक्ट रिलेटेड कैंपेन चला सकते हो ब्रांड रिलेटेड डिस्प्ले रिलेटेड तो बहुत से ऑप्शन आपको मिलेंगे मोस्टली जो हम कैंपेन हैं न्यू सेलर्स हैं तो वो प्रोडक्ट रिलेटेड चलाते हैं और अगर आपके पास टेन प्लस ट्वेंटी प्लस प्रोडक्ट है फिफ्टी प्लस प्रोडक्ट है ब्रांड बिल्ड हो गया है तो स्पॉन्सर्ड ब्रांड का ऑप्शन आप चूज़ करते हो तो ये था कैंपेन मैनेजर ए प्लस कंटेंट मैनेजर का मतलब है कि आप डिस्क्रिप्शन में फोटोज ऐड कर सकते हो तो जैसा कि आप ये एग्जांपल देख रहे हो अभी इस प्रोडक्ट का यहाँ पे आप देखिए कितने सारे फोटोज़ एंड इमेज़ ऐड हैं तो वो ए प्लस कंटेंट मैनेजर के थ्रू ही ऐड होती हैं अगर आपने सेल्स इम्प्रूव करनी है अपने प्रोडक्ट पे कन्वर्जनस लेके आनी है तो आप डील्स लगा सकते हो प्रोडक्ट में कूपनस क्रिएट कर सकते हो नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ चैनल अब देखिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं आपके पास और साथ ही साथ एक्सप्लोर प्रोग्राम तो जितने भी अमेजोन में न्यू चेंजेस आते हैं प्रोग्राम रिलेटेड जैसे अमेजन लॉन्च पैड है स्टेप प्रोग्राम है तो आप एक्सप्लोर प्रोग्राम्स पे क्लिक कीजिए तो वो आपको बताएंगे एफ़ पे प्रोडक्ट भेजना है वो तो वो आपको इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स बताएंगे जो भी चल रहे होंगे तो मोस्टली ये बताता है एम एड मो टू एफ बी कि आप उनकी वेयर हाउस फैसिलिटी का यूज़ कीजिए नेक्स्ट है हमारे पास रिपोर्ट टैब रिपोर्ट टैब में आता है पेमेंट का ऑप्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ हम देख लेते हैं अमेजोन सेलिंग कोच बिज़नेस रिपोर्ट्स एडवर्टाइजिंग रिटर्न रिपोर्ट्स कस्टम रिपोर्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी तो बहुत से ऑप्शन यहाँ पे आते हैं और रिपोर्ट्स में मेन है पेमेंट स्टैप का तो आपकी ये बिज़नेस की हेल्थ भी बताता है ये बताता है कि टैक्सेस क्या है एडवर्टाइजिंग का कितना आपको खर्चा आया है वो सब आपको परफॉर्मेंस में पता चलेगा तो देखिए ये मैंने रिपोर्ट्स के पेमेंट्स पर क्लिक किया था ये है स्टेटमेंट व्यू फिर आगे आपको मिलेगा ट्रांजेक्शन व्यू कि किस तरह की जो है वो ट्रांजेक्शनस आपकी हुई हैं सारा आपको पता चलेगा कितना कैंसलेशन है ऑल स्टेटमेंट्स तो एडवर्टाइजिंग इन् वॉइस हिस्ट्री सब कुछ यहाँ पे मिलेगा मोस्टली जो है हम स्टेटमेंट व्यू का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं देखिए क्या क्या पता चलता है टोटल बैलेंस कितना है फ़ंड्स कितना अवेलेबल है रिसेंट पेआउट्स यानी आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा कब पहुँचा है क्योंकि आप डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट पहुँचा रहे हैं तो ये सब चीज़ें आप खुद हैंडल कर सकते हो बहुत ईजी है बस आपको देखना होगा कि अकाउंट का टाइप सेटलमेंट पीरियड कितने टाइम तक आपने देखना है और फाइंडर ट्रांजेक्शन और आप ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा आपका बैलेंस कितना है रिफंड आए हैं आपको तो वो कितने हैं कैंसलेशन का सब कुछ यहाँ पे आपको रिपोर्ट स्टैप में मिल जाएगा नेक्स्ट है परफॉर्मेंस तो अगर आप एक एग्जिस्टिंग सेलर हैं न्यू सेलर हैं आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपकी अकाउंट की हेल्थ कैसी है तो देखिए परफॉर्मेंस में अकाउंट हेल्थ फीडबैक ए e टू जेड गारंटी क्लेम्स परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन वॉइस ऑफ द कस्टमर सेलर यूनिवर्सिटी तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी परफॉर्मेंस में नेक्स्ट है पार्टनर नेटवर्क तो इसमें सर्विसेज रिक्वेस्ट वगैरह आती हैं और जो सर्विस ऑप्शन है इसमें भी अकाउंट मैनेजमेंट वग़ैरह ऑप्शन आता है तो देखिए ये जो पार्टनर नेटवर्क सर्विसेज और मोस्टली बी टू बी की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आएंगी आ, आप में से जो एग्जिस्टिंग सेलर हैं उनको पता होगा कि बहुत से कॉल्स आते हैं कि वी आर कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ अमेजोन कि हम अमेज़ॉन के पार्टनर सर्विस हैं तो इसका मतलब ये है तो उसमें क्या है अमेज़ॉन ने उन लोगों को अलाउ किया होता है कि वो आपकी हेल्प कर सके सो देआर डिफरेंट कंपनीज़ जिनको अमेजन ने अलाउ किया होता है आपकी हेल्प करने के लिए ये सेलर सेंट्रल की नेविगेशन टैब अब हम चलेंगे जो आपको सर्च ऑप्शन के बाद दिख रहा होगा मैसेज हेल्प एंड सेटिंग्स तो देखिए सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं आप कैसे अमेजोन कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हो करना क्या है हेल्प पे क्लिक कीजिए तो देखिए हेल्प में क्लिक करने के बाद आपको बहुत से इश्यूज का पहले ही ऑप्शन आ जाएगा कि प्रोडक्ट आइडेंटिफायर रिलेटेड इशू कैन नॉट फाइंड माई लिस्टिंग बल्क और फीड्स रिलेटेड इशू अगर इनमें से कोई इशू है तो क्लिक करके रेडियो uh, बटन पे आप क्लिक कर सकते हो और नेक्स्ट पे क्लिक कर पाओगे अगर आपने फ़ोन पे बात करनी है या उनसे चैट करनी है डायरेक्टली तो आपको करना होगा क्लिक नीड मोर हेल्प में गेट सपोर्ट सेकेंड स्टेप है आपको सेलेक्ट करना है सेलिंग ऑन एमेज़ॉन आप इशू भेज भी सकते हो उनको या फिर अगर अभी भी आपने फ़ोन पे बात करनी है या चैट करनी है तो कीजिए और ब्राउज़ फॉर योर इशू इन द मेन्यू थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है आपको क्लिक करना है अदर इशूज़ पे एंड मेक अ सजेशन जैसे ही आप मेक अ सजेशन पे क्लिक करोगे आपके पास देखिए लैंग्वेज का ऑप्शन है क्या सजेशन दे रहे हो सजेशन वो या फिर आप ई मेल कौन सी है फ़ोन नंबर और आप अर्जेंट इशू है तो आप बोल दीजिए ये अर्जेंट है और मुझे अभी कॉल कीजिए ठीक है तो ये आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपने अमेजोन अकाउंट क्रिएट करने के लिए नंबर दिया आप उसी पे कॉल कीजिएगा आप डिफरेंट नंबर्स पे भी कॉल कर पाइएगा तो ये हमने अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है कि कैसे आप सेलर सेंटर पे बात कर सकते हो फाइव स्टेप्स में अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेटिंग्स सेटिंग्स में देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट जिसकी मैं बात करूँगी वो है अकाउंट इन्फो उससे पहले लॉग इन की अगर कोई सेटिंग्स हैं रिटर्न सेटिंग्स आपने गिफ्ट ऑप्शन देना है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगा शिपिंग सेटिंग्स टैक्स सेटिंग्स यूजर परमिशन तो अगर आप किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को परमिशन देना चाहते हो तो आप वो यहाँ से करेंगे यूज़र परमिशन हिस्ट्री आप देखना चाहते हो किस किस को आपने लॉग इन की परमिशन दी थी वो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद में आई है यूज़र परमिशन ऑप्शन का मतलब ये है कि आप किसी को अलाउ कर रहे हो सेलर सेंट्रल यूज़ करने के लिए और वो ही सबसे अच्छा वे है जिससे आप किसी और की हेल्प ले सकते हो आप प्लीज़ अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड ऐसे किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स को मत दीजिए क्योंकि अमेजोन को पता चल जाता है कि आपने कौन सी जगह से लॉग इन किया है अगर आपने किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लेनी है तो आप यूज़र परमिशन उनको दीजिए अब देखिए अकाउंट इन्फो पे जाएंगे हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है देखिए सबसे पहले है पेमेंट बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो कौन से बैंक अकाउंट में आपका पैसा आएगा और डिडक्ट होगा अगर रिफंड और रिटर्न आए हैं बिजनेस की इन्फॉर्मेशन बिज़नेस एड्रेस क्या है इन्वाइस का एड्रेस क्या है शिपिंग सेटिंग्स आप कर सकते हो रिटर्न प्रोडक्ट रिटर्न करना है कौन से एड्रेस पर रिटर्न होना चाहिए वो सारा यहाँ पे है ईजी शिप यानी एफ एम अगर आप खुद से पैक कर रहे हो प्रोडक्ट को तो उसकी सेटिंग्स टैक्स की सेटिंग्स भी यहाँ पे है तो याद रखिएगा जो अकाउंट इन्फो है उसमें पेमेंट बिजनेस शिपिंग एंड रिटर्न और टैक्स की सेटिंग्स आपको मिलेंगी ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब आप लेफ़्ट देखिएगा तो आपका प्रोफाइल दिखेगा पूरा सेलर प्रोफाइल फ्रंट में कि सोल्ड बाय में कौन सा नाम आएगा लीगल नेम में क्या आ रहा है तो पूरा आपका ब्रांड का फ्रंट दिखेगा नेक्स्ट है लिस्टिंग स्टेटस करंट स्टेटस ऑफ लिस्टिंग वो आपको दिख रहा है अभी एक्टिव है तो अगर आप हॉलीडेज़ पर जा रहे हैं या किसी भी रीज़न की वजह से आप अकाउंट नहीं देख पाइएगा वन मंथ के लिए टू मंथ के लिए तो आप गोइंग ऑन हॉलीडेज़ ऑप्शन को ऑन कर दीजिए इससे क्या होगा आपके अकाउंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो जैसे ही आप लाइव करोगे तो आपकी वही रैंक रहेगी प्रोडक्ट की तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है योर सर्विसेज में आप मैनेज कर सकते हो कि आपका अमेजॉन बिजनेस देखिए यहाँ पे रजिस्टर्ड आ रहा है एफ़ की फैसिलिटी जो ली है वो भी रजिस्टर्ड है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स का आपने यूज़ किया या नहीं साथ ही साथ देखिए एफ भी है आप देख सकते हो उसका भी क्लोज़ uh, अकाउंट अब देखिए आप आप एमेज़ोन पे बिज़नेस करना नहीं चाहते हैं किसी भी रीज़न की वजह से तो आप क्लोज़ कर सकते हो लॉगिन की सेटिंग नोटिफिकेशन कौन कौन सी आपके पास आई हैं तो वो सब आपको पता चलेगा इस वाले सेटिंग ऑप्शन पे तो गाइज़ ये था आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट उसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कितने ऑर्डर्स आए हैं तो मैं आपको एक और अकाउंट अभी ओपन करके बताऊँगी जिसमें आप देख सकते हो कितने ऑर्डर आए हैं अभी ये अनशिप्ड हैं पेंडिंग कितने हैं और एफ में कितने पेंडिंग है वो सारी इन्फॉर्मेशन है ये देखिए आपको पता चलेगा टुडे सेल्स में कि कितनी सेल्स हुई हैं कितने बायर ने मैसेज किए हैं बाय बॉक्स मिला है या नहीं कस्टमर की कितनी फीडबैक आई है कितना बैलेंस है तो ये सब आपको यहाँ पे जो है वो पता चलेगा तो गाइज ये था हमारा सेलर सेंट्रल का इंट्रोडक्शन अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए एम से ब्लास्ट पर विज़िट कीजिए या फिर आप हमें फ़ोन कर सकते हो इन नंबर्स पे सिक्स टू थ्री जीरो डबल फोर एट सिक्स थ्री टू हमारा व्हाट्सएप नंबर है आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज सेंड कर सकते हो या मेल कीजिए हेलो एट द रेट एम डॉट कॉम या हाई द रेट एम